यावर गमखार हमारे, दिलदार मददगार परस्तार हमारे, पहले न चली हल्क पे तलवार हमारे, अफसोस हुए तुम न आजादार हमारे। मिलते हैं कहां साथ के खेले हुए भाई, फरियाद के हम आज अकेले हुए भाई। अल्लाह री उन भाइयों की गिरियोजारी, जिस तरह बरसता है कभी अबरे बहारी, माँ कहती थी कुर्बान में उल्फत के तुम्हारी, पर सब्र करो तब में गशा जाएगा बारी। सेहरा असदुल्लाह की जाई को दिखा दे, भाई का खुदा दा न भाई को दिखावे। भाई का खुदा न भाई दाग न भाई को दिखावे। गश आने लगा जब तो कहा भाई से रोकर, कुछ हमसे वसीयत तो करो ऐ अली अकबर। गश आने लगा जब तो कहा भाई से रोकर, कुछ हमसे वसीयत तो करो ऐ अली अकबर। आहिस्ता चले जाते हैं भाई सुए कौसर, पानी जो मिले याद हमें कीजियो बिरादर। मरकर भी पिसर किबला और काबा के करी हो, गुर्बत मेरी भाई ने मदारे शहीदी हो। अली अकबर ने सैयद सज्जाद को वसीयत की, और उसके बाद बस ये कह के जो अली अकबर रुखसत हुए तो आखिरी जुमले सैयद सज्जाद से ये कहे, इस मार्के से जब हो वतन आपका जाना, सुगरा को कई बार कलेजे से। सुगरा को कई बार कलेजे से लगाना, कहना के बहन फिर गया बाबा से जमाना, वादा तो किया था पन तुम तक हुआ आना। शब्बीर पे फौजों की घटा छा गई सुगरा, आने ही को हम थे कि आ जाना आ गई सुगरा, आने ही को हम थे। जदाकर अल्लाह तुम्हारे मर्तबों को बुलंद करे, दुनिया में तुम्हें इज्जत दे, आखिरत में तुम्हें मौला अली की कुर्बत नसीब हो, तुम्हारे घर आबाद रहें। करबला में उजड़ने वाले घरों को इस तरह बैठ के रोते हो, गिरिए का समा है लम्हा है। माजिद रजा आब्दी का भतीजा 4 साल का खिजर लंका में ऑपरेशन के लिए गया, आज उसका ऑपरेशन है। दुआ करो कि दिल का ऑपरेशन है बच्चे का, हुसैन की औलाद के सदके में उसके माँ बाप खुश हो जाएं और ऑपरेशन कामयाब हो, और सबके लिए फर्दन फर्दन दुआ, इसलिए कि इस वक्त दुआ का लम्हा है। कैसा गिरिया हो रहा है, और फिर वो लम्हा आ गया, वो लम्हा आ गया कि कल मैंने तकरीर यहां छोड़ी थी कि सर कटने लगे, 11 मुहर्रम को सर कटने लगे। याद आ गई ना कल की तकरीर। और ऐसे में जब सर कट के नेजों पे बुलंद हो गए तो भारी भारी जंजीरें, भारे भारी तौक, हथकड़ियां और बेड़ियां, हत्तात कहते हैं लोहार को कि जो लोहे की चीजें बनाता। हत्तात से कहा गया ये सारे लोहे के जेवरात लेकर चलो। वो एक बीमार और नातवा, उसको पिन्हाना है। हत्तात ने इनकार कर दिया। हत्तात ने कहा ये जंजीरें बहुत भारी बनवाई गई हैं, ये इसका वजन नहीं उठा सकता। अब ये हाल मीरनीस ने नज़्म किया, ये मैंने नसर में कहा, ये मैं पढ़ता हूं। 5 बंद हैं और उसके बाद तकरीर को मैंने खत्म किया, और कुछ देर में 1-2 रवायतें पढ़ूंगा छोटी छोटी, शहादत इमाम की, और फिर ताबूत बरामद होगा, ज़ियारत करिएगा आप। गिरिया तो है ही आपको, ताबूत को देख के और गिरिया आएगा। लेकिन ये जरा सा ख्याल रखिएगा कि गिरिया के दरमियान इन बंदों को जरा गौर से सुनिएगा, और ये बात आपको ना कहीं कोई जाकिर बताएगा, ना किसी किताब में लिखिए,
ये सिर्फ अनीस को इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि हमारे सारे बच्चों को ये बात मालूम हो जाए, इसलिए कि मोटी मोटी छह जिल्दें पढ़ना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये बात मालूम हो जाए कि लाचार नहीं थे आबिद, मोहताज नहीं थे आबिद। अनीस ने यह बताया कि जिस वक्त जंजीरें पिन्हाए जाने लगी तो एक खुतबा दिया सैयद सज्जाद ने और बताया कि मैं क्यों खामोश हूं और इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं। और यह अनीस के अलावा किसी ने नहीं बताया कि जब जंजीरें आई, हथकड़ियां आई, बेड़ियां आई तो इमाम ने, आपके चौथे इमाम ने कहा क्या, जालिमों से क्या बात की। ये चार बंदे और सुनिए, और वहीं से जो तमीज मैं सुना रहा था, एक एक को सर कटने का था बारिशों के दर्द, सदमे से गिरफ्तारी के थे चांद से मुंह जर्द, सीनों में जो दिल जलते थे भरती थी दमे सर, थर्राते थे शोले की तरह से तने पुरगर, निकली थी जो जलते हुए खेमे के तले से, लिपटे हुए अतफाल थे रांडों के गले से, हल्के में जफाकारों के थे आबिद बीमार, शिद्दत से तपे गम की गशा जाता था हर बार, हद्दाद ये कहता था कि शिमरे सितमगार, पिन्हाऊं किसे बेड़ियां और तौके गरा बार, गर्दन ये नहीं तौके गुलूगीर के काबिल, ये पांव नहीं हल्के जंजीर। देखिए जालिमों में से कह रहा है वो, क्या कहा हद्दाद ने, हद्दाद ने कहा तो गौर से सुनिएगा, तो उसको पिन्हाते हैं जो होता है तमाना, दुश्वार है बीमार को गर्दन का उठाना, इन कांपते पांव में न जंजीर पिन्हाना, वरना भी हो जाएगा तम तन से रमाना, न पांव है इस बोझ के लायक न गला है, ये जोफ ही इसके लिए जंजीर बला है, इसका तो जोफ ऐसा है, जंजीर पिन्हाने की क्या जरूरत है, ये कहां चला जाएगा, क्यों इसे गिरफ्तार करो। ये हद्दाद कह रहा है जो लश्कर यजीद का है। हद्दाद से यूं कहने लगा कातिल शफीर, तकरार न कर जल्द पिन्हा तौके गुलूकीर, ये शेर है बिगड़े तो ना बनाएगी तदबीर, गर्दन में रसन चाहिए और पांव में जंजीर। अब समझ में आया कि हैदर कर्रार के शेर को जंजीरें पिन्हाई थी कि कहीं जलाल में आके तलवार न खींच ले, इसलिए जंजीरों में जकड़ा गया था, गर्दन में रसन चाहिए और पांव में जंजीर। बीमारी में सालिम है, जईफी में कमी है, गैज उनका गजब है कि ये औलादे अली है। ये शम्र कह रहा है लाजिम है कि इस तरह इन्हें कीजिए गिरफ्तार, ने पांव बढ़े और खींचे हाथ से तलवार, पहुंचे ये किसी जाएंगे वो उंगलियों उंगलियां बेकार, बेड़ी हो ये भारी के चले जोर न जिनहार, फरियाद को भी हाथ ये मुस्तर ना उठाए, तो कैसा गरा हो कि कभी सर ना उठाए। आपने देखा शिमर ने क्या कहा। अब सैयद सज्जाद का जवाब, आबिद ने कहा गो है गिरफ्तार मुसीबत, भर जाए जमी खून से जो दिखलाए शजात, इन कांपते हाथों में भी है सोरे इमामत, क्या जानिए क्या है जो दिखाते नहीं ताकत, क्या जानिए क्या है जो दिखाते नहीं ताकत, न सोफ का बायस न नकाहत का सबब है, वल्ला फकत बख्शिशे उम्मत का सबब है। अल्लाह वल्ला फकत बख्शिशे उम्मत का सबब है। सुनते जाइए, बरहम हूं तो आलम के बिना हो अभी नाबूद, वो जो कुन कहा था उसने, जब तक शरा निकलूंगा बढ़ूंगा नहीं, उसने कहा था कुन हो जा तो कायनात की बिना क्या है कुन। समझे पहले बात को समझे तो आगे के मिसरे मीरनीस को पढ़ूं कि कितने काबिल थे मीरनीस और क्या गुफ्तगू का। अल्लाह ने कहा कुन हो जा, हो गई दुनिया, तो होने की बुनियाद क्या है कुन, वो कुन कहे तो कायनात बने, बुनियाद क्या है कायनात की कुन। नहीं समझे, छोटी सी मिसाल से समझ, ये मोमबत्ती रखी है, ये माचिस रखी है,
ये कैसे रोशन होगी? हो गई रोशन? यानी शमा रोशन के लिए ये होना है, जल रही है, बुझाना है। कैसे बुझेगी? बुझ गई ना? उसने कहा कौन, तो कौन का कोई जवाब भी तो होगा कि जब अल्लाह कहेगा बस अब ना रहे, वो लफ्ज तो अल्लाह ने बताया ही नहीं। नहीं समझे? यानी माचिस से शमा जलाई, और अगर ये ना मालूम होता कि बुझती कैसे, बताया गया जब ही तो खंजर से बुझा दिया, तीली से बुझा दिया, फूंक के बुझा दिया। अल्लाह ने ये कहां बताया कि ये एकदम से खत्म कैसे होगी? सैयद सज्जाद ये कह रहे जैसे पहले दिन कहा गया था कुन, अभी चाहूं तो कायनात को एक फूंक में बुझा दूं। अरे दादो, अभी 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 कहूं कायनात न रहे, इतना बड़ा इख्तियार लिए बैठे, बरहम हूं तो आलम की बिना हो अभी नाबूद। एजाज हो मूसा का असा में मेरे मौजूद, गुलजार हो साए से मेरे आतिश नमरूद, आहन को अभी मौन करूं सूरत दाऊद। क्या है जंजीर, क्या है तो, क्या है टेढ़ी हथकड़ी? आहन को अभी मौन करूं सूरत दाऊद, है शोर मेरे कब्जे में है डर के बराबर, दो उंगलियां हैं देखे दो पैकर के बराबर। देखिए ये पहलू सैयद सज्जाद ने दिखाया, तूफान नू ला सकता हूं, तूफान नू ला सकता हूं, लेकिन तूफान नू इस तरह नहीं कि जिस तरह नू ने अजाब की दुआ की थी कि पानी बरसे और जमीन से पानी उबले। मैं तूफान नू ला सकता हूं, ला सकता हूं। कैसे? बाबा को जो रोऊं तो उठे नूह का तूफान। अरे ये नूह का तूफान है जिसमें हर साल दुश्मन डूब रहे हैं। ये सैयद सज्जाद ने नूह का तूफान जो उठाया मदीने जाके, दुश्मन गर्क हो गए, अब भी नहीं दादोगे, उसी उसी तूफान में यजीद गर्क हुआ, मरवान गर्क हुआ, अब्दुल मलिक सब गए। ये तूफान है आंसुओं का, जो लोग रोने के खिलाफ हैं उनको क्या पता वो तूफान नूर रोकना चाहते हैं अजाब से बचने के लिए। ये तूफान रू नहीं रुकेगा। ये नहीं रुकेगा, ये तूफान नूह है, आंसू बहेंगे पर हम हूं बाबा को जो रोऊं तो उठे नूह का तूफान। ईसा की तरह मुर्दे ससाला को दूं जा है शेरे नगी खातमे अंगुश्ते सुलेमा, जितना तो मलाइक है मेरे ताबे फरमा, पर तौख पिन्हा दो के झुकाए हुए सर हूं, मैं सैयद मजलूम का मजलूम पिसर हूं। आओ तौफ पिन्हा दो, मैं सैयद मजलूम का मजलूम पिसर हूं। दादा कि मेरे जोर से माहिर है खुदाई, की पुशुकनी कुफ्र की बुनियाद मिटाई, हाथ उनके रही खैबर व खंदक की लड़ाई। देखिए क्या कह रहे हैं सैयद सज्जाद कि खैबर व खंदक का फाते थे ना, खैबर व खंदक के फाते मैं भी अली हूं, हाथ उनके रही खैबर व खंदक की लड़ाई, इस जोर पा फिर रस्सी से गर्दन भी बंधाई। है फख्र की जा कर मेरी गर्दन में रसन हो, पोते में भी लाजिम है कि दादा का चलन, दादा का चलन। सब जानते हैं साबरियो जुरत हैदर, एक रोज वो था फतह किया कलए खैबर, एक रोज ये मजलूम हुए बादे पयंबर, कुछ बोले ना जब दादी के पहलू पे गिरा दर, कुछ बोले ना जब दादी के पहलू पे गिरा दर,
दी आतशे की कहने को हैदर के पिसर के, मुझ पर भी वही जुल्म हुआ बादे पिसर के। क्या जुल्म हुआ, क्या जुल्म हुआ? आगे मेरे जेवर मेरी मादर का उतारा हो गई मजबूत, आगे मेरे जेवर मेरी मादर का उतारा, जैनब की रिदा छिन गई, घर लुट गया सारा। जैनब की रिदा छिन गई, घर लुट गया सारा, बेजुर्म तमाचा मेरी हमशीर को मारा। ये सब किया उम्मत के लिए मैंने गवारा, खुश होके असीरी के भी दुख दर्द सहेंगे, हम वो हैं कि हर दर्द में साबिर ही रहेंगे। तुम सबने जो देखी मेरे बाबा के शुजात, मारे गए कि हाकिम फासिक की नबायत, कुर्बान में इस फहम के अल्लाह रे हिम्मत, रख ली पिसरे फातिमा ने दीन की इज्जत, खंजर तो नहीं हल्क से जो खून बहेगा, खून बहेगा क्या तौक की ईजा भी न बीमार सहेगा। मैं इसने वगा कर शह मजलूम से पाता, अब यहां पे मैं रवायत पूरी कर रहा हूं इस मिसरे पर, तब आगे पढ़ूंगा। हाथ पकड़कर पांच मुहर्रम को खेमे में ले गए, बिठाया, कहा सैयद सज्जाद मेरे लाल, जिहाद दो तरह का है बेटे, एक जिहाद अकबर है, एक जिहाद असगर है। ए बेटा, मैदान में गला कटा देना, मैदान में शहीद हो जाना, ये जिहाद असगर है। और सैदानियों को बेपर्दा साथ लेकर बाजारों से गुजरना जिहाद। ये बेटा, तुम्हें कौन सा जिहाद पसंद है? ए बेटा, हमारे लिए जिहाद असगर है, अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया है कि तुम जिहाद अकबर करो। जजाकल। मैं इसने बगा गर शह मजलूम से पाता, मैं छाती पे अकबर की तरह बर्छियां खाता, चश्मा मेरा भाई तो जहां अपनी गवाता, ऐसा तो ना था मैं के गला भी ना कटाता। वो साहेब किस्मत हुए दाखिले शुहदा में, हम कैद के काबिल थे फंसे रंजो बला में। ये सुन के लई टेक का हलका लिए आया, किस सब्र से आबिद ने सरे पाक झुकाया, जंजीर को जब सामने बीमार के लाया, फरजंदे यदुल्लाह ने खुद पांव बढ़ाया। दम मारा ना कुछ, तौके गुलूगीर पहनकर सजदे के लिए झुक गए जंजीर, सजदे के लिए झुक गए जंजीर पहनकर। क्या कहना मीर अनीस तुम्हारा, क्या क्या मनाजिर तुमने हमें दिखाए, हम कहां ये सारे मंजर देख सकते थे, कहां हमारी आंखों में ये ताकत थी। तुम्हारे एक एक लफ्ज पर कितने आंसू बरसते हैं, सवाब सारा अपने साथ ले गए। अब तुम्हें सवाब की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसा इंतजाम विरासत में कर गए कि जो मेरे अशार सुनकर रोएगा खुद उसी को सवाब पहुंचेगा। आज अनीस सवाब बांट रहे, इसे कहते हैं हुसैन की जाकरी, इसे कहते हैं खिताबत। अल्लाह अल्लाह, अब कहां से पढ़ दूं और क्या करूं, क्या जिक्र करूं मैं सैयद सज्जाद का। दिल भर के आज आपने गिरिया की, खूब ताजियत अदा की, पुरसा दिया आपने हजरत इमाम मोहम्मद बाकर सलवातुल्लाह सलामु अलैह, आपने पुरसा दिया। सब सुनते हैं और आप सुनेंगे कि कूफे में क्या हुआ, अभी पढ़ूंगा। अशरों में दो अशरे इंशाल्लाह भी हैं, 20 तकरीरें और हैं सिलसिलेवार। दरबारे इब्ने ज़ियाद में क्या हुआ, शाम के बाजारों में सैयद सज्जाद पे क्या गुजरी, शाम के दरबार में क्या गुजरी, जिंदा में क्या गुजरी, सब मैंने छोड़ा आगे के लिए। बस ये देखते हैं मदीने वापस आए तो दिनों रात कैसे गुजरे। इमाम वापस आ गए, इमाम वापस आ गए, आपका मजलूम इमाम मदीने आ गए।
अब रातों दिन कैसे गुजर रहे हैं, मैं लम्हा ब लम्हा इमाम का दिखाता जाता हूं। सुबह शाम दोपहर और तकरीर खत्म हो जाएगी। देखिए ये सबसे मजलूम इमाम क्यों है आपको पता है? 12 मुहर्रम को मोजीजे से करबला पहुंचे, 72 लाशें दफन किए, मजलूम है। जवान भाई को दफन किया, कासिम जैसे भाई को दफन किया, ओन मोहम्मद जैसे भाइयों को दफन किया, फिर बाबा की कब्र बनाई, फिर शेर बहादुर अली के पिसर अब्बास की कब्र बनाई, फिर दूर जाकर हुर की कब्र बनाई। किसी इंसान ने जिंदगी में इतनी कब्रें नहीं बनाई होंगी, है मजलूम? काश मजलूमियत खत्म हो जाती, काश मजलूमियत। अंधेरे जिंदा में छोटी बहन की कब्र बन, है मजलूम? है मजलूम? मदीने आए, मदीने आए और 2 साल के अंदर अंदर, सुनते जाओ, 2 साल के अंदर अंदर उम्मे लैला की कब्र बनाई, उम्मे रबाब की कब्र बनाई, रुकैया की कब्र बनाई, उम्मे कुलसूम की कब्र बनाई, अरे मजलूम फूफी जैनब की, अरे कितनों को दफन किया, है मजलूम इमाम? हाय मेरा मजलूम इमाम, अरे मेरा बेकस इमाम। अल्लाह हो, घर सन्नाटा हो गया, जवान न रहे, बच्चे न रहे, सहारा था, माँ और फूफियां थी, अब वो भी ना रही, रोने वालियां भी घर में ना रही, तन्हा रोने वाला रह गया और एक बेटा मोहम्मद बाप। कम से कम ये तो था कि बीबियों के रोने की आवाज आती। अब मजलिस क्या करें, अब मजलिस का अंदाज बदल दिया सैयद सज्जाद ने। गुलाम आया, कहा वुजू का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, कहा पानी ला। आफताबा लाया, उसने पानी डालना शुरू। अब पानी लेके वुजू करना है, उसने जैसा ही पानी डाला, चुल्लू भरा और यूं किया, बाबा बाबा। आंसू टपके, बाहर से आया था कोई शख्स, महल बनी हाशिम की गली से गुजरा, देखा पर नाले से पानी गिर रहा है, कपड़ों को बचा के कहने लगा छींट ना पड़ जाए, तो दौड़ता हुआ एक शख्स आया सब्जी वाला, कहने लगा क्या करता है, कहा पानी गिर रहा है, कहा ये पानी नहीं है, सैयद सज्जाद के आंसू, ये सैयद सज्जाद के आंसू। दोपहर हुई या सुबह या शाम, कुछ देर के लिए बाहर निकलते और बाजार से होकर दादा रसूल खुदा की कब्र पे जाते, दिन में एक बार रसूल अल्लाह की कब्र पे, तो बाजार से होके जाते थे। 2 गुलाम साथ बाजू को पकड़े हुए, इमाम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे, एक बार नजर जो उठी तो गोश्त वाले की दुकान पे नजर गई, देखा छुरी उसके हाथ में है और जानवर को गिराकर छुरी फेरने जा रहा, गुलामों से हाथ छुड़ाया, दौड़ के चले और जिस हाथ में छुरी थी उसको पकड़ा, कहा ठहर जा, पानी पिला लिया, पानी पिला लिया, छुरी हाथ से गिर गई, कब मेरे सामने उसको पानी पिला, और मदीने में ऐलान करते कभी पानी पिलाने से पहले जानवर को जिबा ना करना। अब रोलो, तकरीद के दिन जब तुम जानवर लाते हो और जिबा के लिए जाते हो तो पहले पानी की, पानी का बर्तन सामने रख के बकरे को पानी पीने देते हो, जानवर को पानी पीने देते, हाय
हमने रस्म बना ली कि हम अपने जानवर भी जिबा नहीं करते, और हुसैन जेरे खंजर पुकार है थोड़ा सा पानी। बेटा तड़प तड़प के पुकारता, बाबा प्यासे मारे गए, बाबा प्यासे मारे गए। लो बस हो गई तकरीर, आ गया कोई रावी और उसने कहा कब तक रोइएगा, अब तो अरसा गुजर गया। का ये बता याकूब के कितने बेटे थे, का बारह, का एक खो गया था। तो याकूब इतना रो कि आंखें सफेद हो गई, अरे मेरे सामने 18 यूसुफ, किसी का सर कटा, किसी के हाथ कटे, किसी के लाशे घोड़ों से पामाल हुए, और फिर मेरा अली असगर तीर से या हुसैन या हुसैन। فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي كانها رائحه اخي وابن عمي رسول عليك يا رسول الله صلى الله عليه واله। ऐसे थे शाइना सरफराज बिंदे मुख्तार हुसैन, कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं बाप के मोहम्मद और आले मोहम्मद, अल्लाह ने इसे कबूली अता फरमाया। राजा ओन अब्बास जिना अस्पताल में आईसीयू में दाखिल हैं, 6 माह की उम्र है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ने सेहत अता फरमा। इसको ठीक करो, सही नहीं है, आवाज भी सही नहीं है, माइक भी सही नहीं है, जरा से इसको ऊपर करो, आवाज बिल्कुल सही नहीं, गड़गड़ा है आवाज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के। अशरे मजालिस सालेबा में आज 6ठी तकरीर आप हजरात समाज फरमा रहे हैं मीर अनीस और वाके करबला के मौसम पर। जैसा कि अर्ज किया गया कि ये मौजू खालिस इल्मी और अदबी है, और इस मौजू का बार वही उठा सकता है कि जिसका लगाव इल्म अदब से हो। तमाशबीन जो कि मजालिस के तमाशबीन होते हैं, ये उनके लिए मौजू नहीं है, मौजू मौजू नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी जो हमें है वो ये है कि हमारे तमाम नौजवान भाई उस तरह इस मौजू में शामिल हैं, शरीक हैं, जैसे कि बुड्ढों को होना चाहिए था। तो शिया कौम के वो अफराद जो कि बहुत फन्ने खां बनते हैं, बड़े कौमी बनते हैं, बड़े इंतजामिया और जो बड़े इल्मी, और उनको शर्म दिला रहे हैं ये नौजवान कि तुम्हारा सब ये जो है ना दिखावा अंदर से खोल है, ओल है, कुछ भी नहीं, अंदर से कुछ भी नहीं हो तुम, ऊपरी दिखावा है। तो ये भी जाहिर है कि जलने और हसद का एक सामान है जलने वालों के लिए। सजी हुई डिशें हैं कश्तियों में, ये बाहर है और जलने वाले उसे देखेंगे और जलेंगे।
सुनेंगे और जल लें। अपनी जगह पे आग हो रहे हैं, मर रहे हैं, मौतें आ रही हैं। और मीर अनीस की तलवार जो है वो एक सदी से मौतें बुला रही है कि जो दुश्मन है दोस्त बनने के लिए दोस्त का दोस्त भी बनना पड़ता है। सिर्फ अहले बैत की दोस्ती के दावे बेकार हैं। ये देखो कि अहले बैत के दोस्त कितने हैं और वो अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर उनसे मोहब्बत नहीं है तो वो मोहब्बत काम नहीं आएगी। ये थोड़ी थोड़ी सी टॉनिक और कैप्सूल इंशाल्लाह रोज ये जरूरी है। और उसके बाद मौजू पैर के बीच में तो फिर वो अदबी मौजू में देखिए अपने हमारे भाई हैं जैगम जैदी साहब, ये पाकिस्तान के मशहूर शायर हैं, गजल के भी, नज्म के भी, कसीदे के भी, मनकबत के भी, नात के भी, और एक आला ऑफिसर है, बेहतरीन शायर है, और एक तकरीर भी नहीं छोड़ी उन्होंने। यानी अंदर से एक जौक है। यानी हम शायरी कर रहे हैं तो अगर हम अपने बाबा आदम शायरी के उनको किराज ना दें तो हमारी शायरी खाक है, धूल है, मिट्टी है। अगर ओंगी बोंगी शायरी करने वाले जो कराची में हैं और जो बेतुके शेर कह रहे हैं और जो दोहराते रहते हैं, जिनकी वजह से मनकबत की महफिलों में 50 आदमियों से ज्यादा नहीं होते, ऐसी बदनामी कराई है कराची में इन शायरों ने कि 13 रजब मौला अली की विलादत, किसी इमामबाड़े ने मजमई नहीं, रिजविया में 25 बैठे हैं 13 रजब को, 2-4 खैरिल अमल में बैठे हैं। अब चूंकि यहां डॉक्टर साहब बिरयानी करते हैं तो यहां बहरल ज्यादा आ जाते हैं, रिजविया की बनिस्बत यहां ज्यादा मजमा होता है मनकबत का। और छोटे मोटे मामबाड़ों में तो छोड़िए, वो तो नमाज के बाद बस उन्होंने 2 कसीदे कराए, आज 13 रजब हो गई, 3 शाबान हो गई, जाइए कर जाइए। तो ये कराची में जो दावेदार हैं मोहब्बत अहले बैत के, उन्होंने अहले बैत की मोहब्बतों, फिक्रों, उसूलों को मजाक बनाया हुआ है। जिस दिन ये मुनाफ़िकत शिया कौम से खत्म होगी उस दिन ये कौम उभर सके, दबी पड़ी हुई है। और ये कौम इसलिए दीगर फिरकों के मुकाबले में पस्त है कि इसमें मुनाफ़िकत बहुत है। और आपका काम है कि आप इस मजलिस से पैगंबर बन के उठें और अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों में तबलीग करें और उनको बताएं छोड़ो मुनाफ़िकत, खालिस दिल से मोहब्बे अहले बैत बनो, खालिस बनो। और से 20-25 बरस से मैं देख रहा हूं ये हमारे बोरी भाई देंसोहाल से मार्केट बंद करके चलते हैं और कभी मैंने नहीं पाया कि ये हमारे किसी मजलिस और अशरे से गैराजी रहे। तो जो बड़े सैयद बनते हैं वो इन बोरियों को सलाम करें कि ये कंटिन्यू किस तरह है मौजू में, इनसे पूछे कि किस मौजू के बाद किस सन में कौन सा मौजू हुआ, ये हमें याद दिलाते हैं, फुला सन में आपने ये पढ़ा था, फुला सन में ये पढ़ा था। यह है एक इल्म की मीरास, किसी की मीरास नहीं है। ज़ैदी नकवी और ये वो लिख लेने से ये नहीं होगा कि आप बड़े अहले बैत के हो गए, सब बेकार की बातें, सब दिखावा। तो ये मौजू है, ये बच्चों के काम का मौजू है, ये बच्चियों के काम का मौजू। अगर शुअरा बैठ के सुनते तो उन्हें शौरे शायरी पैदा हो, शौरे शायरी पैदा हो, उनमें इल्मियत आए, जिहालत दूर हो। उसने शेर कहा, दूसरे वक्त में उसकी नकल कर ली, वही ख्याल अपने शेर में कह रहे। उसने तर्ज लगाई, दूसरे दिन वही तर्ज उन्होंने लगा दी। एक ही तर्ज पे सब चल रहे हैं, एक ही तर्ज पे सब चल रहे हैं, एक ही तर्ज पे। भाई समझने वाले जो हैं, अवाम को छोड़ दो,
जो 5% समझने वाले हैं उनको तो मालूम है कि क्या क्या हालतें कर रहे हो। हजारह तर्जे हैं तो एक ही तर्ज पे सब चले जा रहे हैं, एक ही बहर पे शेर चले जा रहे हैं, एक ही कवाफी पे चले जा रहे हैं, एक ही ख्याल दोहरा रहे हैं। क्यों ये जिहालतें क्यों हैं? हमारे यहां जो अली को माने और उनमें ये जिहालत है, उसका सबब यह है कि जहनी राबता नहीं है। आले मोहम्मद की मार्फत हासिल रही, दिखावे की मोहब्बतें। मैं इन चीजों पे एतराज नहीं करता कि वहां बकरा हलाल हो रहा है और खून मल लिया और वो कड़ा पहन लिया और हथकड़ी पहन लिया फला, मैं इन चीजों पे एतराज नहीं, ये कल्चर है, इसके ऊपर कोई कर... मैं ये दिमागी कैफियतों पे तंकीद करता हूं। मुझे काले कपड़ों पे एतराज नहीं है, मुझे मन्नतों पे एतराज नहीं है, मुझे अलम, मैं तो कहता हूं ये सब और बढ़ाओ, इसमें कमी ना हो, इन चीजों में कर... लेकिन ये अंदर का जो है ना इसके पेश तो कसो। ये जरूरी है, ये जो स्क्रू ढीले हैं इनको कसने की जरूरत। और उसने एक इंकलाब पपा कर दिया। ये कह रहे हैं वो मर्सिए, लेकिन वो अजादारी सजा रहे हैं। मीरनीस ने अहमियत बताई कि अलम क्या है और अलमदार क्या है। अलम के एक एक हिस्से का नाम रखा, ये मीरनीस की देन है। क्या आज हम बोलते हैं ये फरेरा है, ये पटका है, ये पंजा है, ये मश्क है, किसने नाम दिए? उसकी जहानत के लफ्ज कहां से लाए? फरेरा। आज पूरी दुनिया उसे फरेरा कहती है, आप नाम नहीं बदल सकते। अनीस ने कहा ये पटका है, नाम रख दिया पटका, अब कोई नाम नहीं बदल सकता, क्या कहेगा आप बताइए? पटका नाम रख दिया, अब क्या सोच के रखा? पटके के क्या मानी है? इसको पटका क्यों कहा? इसे फरेरा क्यों कहा? फिर रंग मुतायन कर दिया, का ये फरेरे का रंग है, और तय कर दिया कि हमने करबला में अब्बास के अलम का ये रंग देखा। आंख बंद करके सबने अनीस का यकीन कर, जाकिर हो तो ऐसा। यानी अनीस पे सब ईमान ले आए, और किसी ने अनीस से नहीं पूछा कहां देखा? 1400 साल पहले 1300 साल पहले तुम कहां करबला गए थे? कब देख के आए कि अलम की शक्ल ऐसी थी? बानीस ने बता दिया शक्ल ऐसी थी। और सिर्फ ये नहीं, आज किसी शायर से कहिए कि अलम पे 4 शेर कह दो, जो कह दे 35,000 शेर अनीस के सिर्फ अलम पर हैं। सोचे, और ये नहीं कि सिर्फ अलम पर हैं, उससे ज्यादा अलमदार पर बताया कि अलमदार क्या है। कितनी मुश्किल मंजिल है, एक फरेरा, एक पटका, एक पंजा। आपसे कहा जाए इस पे बोलो, कितनी देर बोल सकेंगे, क्या क्या रूप निकलेंगे?
क्या रुख निकल सकते हैं। आज आज बड़े से बड़े दानिश्वर से किसी बोलने वाले आलिम से कहें दो घंटे आलम पे बोलो, एक घंटा बहुत है, दस मिनट नहीं बोल सकता, बोले क्या बोलेगा, गुंजाइश है। देखिए ये थोड़ी ना कि भाई ये आलम था और ये करबला में था और ये अब्बास इसको लेके निकले, ये नहीं, ये तो सबको मालूम है, ये तो बच्चा भी सुना सकता है, ये तो आप उसकी छोटी सी तारीफ बता रहे हैं कि ये मुख्तसर तारीफ इसकी ये है, नहीं इसकी तारीफ करो, तशबीह और इस्तियारों से बताओ समझाओ कि कायनात पे ये छाया हुआ कैसे है, ये है मसला, मसला ये। और पहले अनीस अलमदार का तारुफ कराते हैं और बताते हैं कि अलमदार कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या सिफात हो और किसको आलम मिलता है, हर एक को आलम नहीं मिलता। इसलिए अपने कलाम में अनीस ने एक मंजर यह दिखाया है कि जश्न अलमदारी हुआ कैसे, और एक पूरा अनीस ने ऐसा मंजर खींचा कि आदमी उसमें खो जाता है। और सबसे पहले यह काम होता है, ये फरेरे की आवाज है, देखिए वो तड़पा कैसे अपना जिक्र सुन के, आवाज दी है उसने कि हम भी शरीक हैं, आलम भी शरीक, और ये दरअसल बहुत मुश्किल था कि छह जिल्दों में से, देखिए जितने भी उनके वर्सिये हैं हजरत अब्बास के हाल के, जाहिर है कि उसमें दो चार बंद अलम की तारीफ में, और वो वर्सिये के जो हजरत अब्बास के नहीं हैं, मसलन हजरत हुर के हाल का वर्सिया, उसमें भी कहीं एक दो बंद आ जाते हैं, इसलिए कि हुर के मरसिए में मीर अनीस ये दिखाते हैं कि दोनों तरफ के लश्कर आगे बढ़े मैदान की तरफ, तो उसमें ये दिखा देते हैं कि अब आइए भाई पुत्तन आ जाएं आराम से, भाई पुत्तन के दामाद बहुत अलील हैं, आप हजरात उनके लिए दुआ करें, अस्पताल में दाखिल हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। तो वहां पर अनीस कहते हैं कि अब्बास ने बढ़ के परचम खोला मैदान, तो वो मनाजिर भी आएंगे तो हम आपको दे। तो इत्तेफाक से अगर इस वक्त ऐसा होता और ये मौजू आ जाता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता कि मैं, ये कई महीनों का काम होता, लेकिन चूंकि मैं जब रिजविया में रहता था तो उस वक्त यूं समझिए कि जब मैं 19 साल का था तो मैंने पहली किताब मीर अनीस पे लिखी थी, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान इंफॉर्मेशन ने शाया की थी, और मुझे उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी मिला था मेरे उस काम पर जी। तो उसके बाद मैंने ये मीर अनीस के कलाम में अब्बास के अलम पर तकरीबन कोई समझिए कि 40 सफे का एक मजमून लिखा था, और ये मजमून कम से कम पूरे वर्ल्ड में, अंग्रेजी में भी इसका तर्जुमा हो चुका है, और कोई दीनी रिसाला ऐसा नहीं जिसने इसको अपने अशाया ना किया हो। लखनऊ का मशहूर अखबार सरफराज उसने शाया किया, नजारे ने शाया किया, यहां कराची का इरशाद अखबार मजहबी था उसने शाया किया,
फिर हुर्रियत अखबार ने अपने पूरे सफ़े पे आशूर के दिन इस मजमून को शाया किया। ये सन 70, 71, 72, 73 की बात है कि जबकि बच्चे बहुत छोटे रहे होंगे और बहुत से बच्चे तो पैदा नहीं हुए होंगे, ये जब की बात है। तो इत्तेफाक से मैंने सोचा कि मैं अपनी इस मेहनत को आपको सुनाऊं कि मैंने अपने नौजवानी के दौर में ये मीर अनीस पे क्या क्या काम किए थे। तो वो तो सब किए रखे हुए हैं काम, और जाहिर है कि कभी मैं आपसे कहूं कि मेरी सारी किताबें पढ़ डालिए तो आप कभी भी ना पढ़ेंगे, तो क्या कितना अच्छा मौका है कि मैं इस बहाने से अपनी किताब के कुछ इख्तिबास सुना दूं। और जहां जैगम जैदी साहब जैसे बाजौक और फिर हुसैन भाई और हमारे भाई पुत्तन जैसे इल्म अदब से बंधे हुए लोग, मिसरा समझने वाले, अदब की बात समझने वाले, अभी अनीस तारुफ करवा रहे हैं तो अलमदार के वास्ते से अलम पर आते हैं। और मैं मुख्तलिफ मर्जियों से कुछ कुछ बंदा आपको मैं शरा के मुझे मालूम है कि जहां पर जरा सी मुश्किल बच्चों के लिए होगी तो मैं उसकी शरा करूंगा, हालांकि अनीस से आसान जबान किसी ने इस्तेमाल नहीं की। गुल था कि जहां में अलम ऐसा नहीं देखा। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो गुल हुआ तो इसका क्या मतलब है, यानी ये मैदान जंग है और अलम जो खुला तो सबने कहा भाई ये अलम। देखिए इसमें कुछ भी छुपा नहीं हुआ है कि कैसा आलम, लेकिन एक मिसरे में कि ये गुल है कि ऐसा आलम नहीं देखा। जब बात ही यहां से शुरू हो रही कि ऐसा आलम नहीं देखा तो आगे क्या बताएंगे कि वो कैसा आलम है, जरा गौर कीजिएगा। यानी शायर मुश्किल में अपने को शुरू में ही डाले ले रहा है कि तमाम हजारों का मजमा चिल्ला रहा है ऐसा आलम नहीं देखा, तो बताइए तो कि फिर वो है कैसा। गौर करें ना, ये सारी बारीकियां हैं अनीस क्या। गुल था कि जहां में आलम ऐसा नहीं देखा, जर्रे थे पंजा करम ऐसा नहीं देखा। इकबालो जलालो हशम ऐसा नहीं देखा, सरदारों में साबित कदम ऐसा। देखिए अलम और अलमदार की दोनों की तारीफ साथ हुई है, और पांचवें छठे मिसरे में बता दिया सरदारों में साबित कदम ऐसा नहीं देखा, तूबा हो तो ऐसा, महकामिल हो तो ऐसा। देखिए आलम तो तूबा हो गया, अब्बास महकामिल हो गए, दो तस्वीरें एक जगह जमा कर दी, एक दरख्त एक चांद। तूबा हो तो ऐसा, महकामिल हो तो ऐसा, ऐसे आलम नूर का हामिल हो तो ऐसा। अब देखिए मीर अनीस अपने पढ़ने वालों को, बच्चों को, सामीन को, जवानों को अलम की तारीफ बताते हैं। ऐसा अलम नूर का हामिल हो तो ऐसा, कमाल किया ये कहकर कि ये अलम अलम नूर है, ये नूर का आलम है। पहले ही जहन में डाल दिया कि ये आलम नूर से बना है, और अब तारीफ बताई अलम। आलम में हुए चार उलुल अज़्म अलमदार, आलम में हुए चार उलुल अज़्म अलमदार, एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार, एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार, बाद उनके हुए ज़ेब आलम हैदर कर्रार। चौथा मिसरा कहां से आएगा, चार ही तो अलमदार बताए, हमजा जाफर तैयार और अली, बाद इनके हुए ज़ेब आलम हैदर कर्रार, अब्बास अब इस मनसबे वाला का है मुख्तार, मुख्तार इख्तियार। अब्बास
मुश्किल है। देखिए मैं कुछ बारीकियां, ये तनकीदी चीजें हैं, ये तहकीकी चीजें हैं, मैंने बिल्कुल आपके दिमाग पे बार नहीं डाला, अंबार है मेरे जहन में किताबें, मैं वो सब कुछ आपको नहीं बता रहा, लेकिन बीच बीच की कुछ छोटी छोटी सी बातें ताकि जहन में रह जाए, वरना ये खुश मौजू तनकीद तहकीक कौन पढ़ता है। अनीस के आए कमाल है जिसे सबने माना है, उनके तो सारे ही कमाल सबने माने, लेकिन ये वाला कमाल माना है कि एक बंद में छह मिसरे होते, पहला दूसरा तीसरा चौथा फिर पांचवा फिर छठा। इसमें होता यह है कि पहला और दूसरा पहले से बंद खुलता है, दूसरा उसका मददगार होता है, तीसरे में कोई राज होता है, चौथा जो होता है वो एटम बम होता है, यानी बात पूरी हो जाती है, बात पूरी हो जाती है। लेकिन पांचवा मिसरा जो होता है वो इसलिए होता है कि जो लोग दाद दे चुके, बाबा कर चुके, अब वो मंजिल आए कि जब छठा मिसरा आए तो अपनी जगह से खड़े हो जाएं। ये अनीस के अलावा किसी को आता नहीं। अच्छा, जो चौथा मिसरा होता है, छठा मिसरा जो है वो चौथे मिसरे से चिपका हुआ होता है, जो बात चौथे में कही जाएगी वही छठे में कही जाएगी, लेकिन दोहराई नहीं जाएगी, बात वही होगी। तो इसको कहते हैं बैत चौथे मिसरे से अनीस बनाते हैं, ये एक इस्तेलाह है अदब में। जो अनीस के इस रास्ते से हट गया उसका मरसिया फेल, उसका मुसद्दस खत्म। जिसको ये राज नहीं मालूम वो मरसिया नहीं कह सकता, इसलिए कि इसमें मिसरों पे मिसरे बिठाने पड़ते हैं और एक तसलसल दिखाना पड़ता है, तब जाके मरसिया पूरा होता है, वरना एक घंटे में किसी के दिमाग को जीत नहीं सकता सौ बन सुना के। इसीलिए सब भागे हुए मरसिए की मजलिसों से। आप लोग जाते हैं कहीं, जो मरसिए पढ़े जा रहे हैं कराची में जाते हैं आप लोग? कोई भी नहीं जाता जी, कौन सिवाय जैगम साहब के, जी बोले बस खत्म। वो तो इसलिए जाते हैं कि शायर हैं, ये नहीं आएंगे तो बिरादरी से निकाले जाएंगे, ये चक्कर है। तो शायर शायर को सुन रहे हैं मगर अमाम उन शायरों को सुनने नहीं जा रहे हैं। मैंने उन शायरों को यह दिखाया है कि आज 132 बरस के बाद मीर अनीस को बैठे हुए आलेबा में इतने लोग सुन रहे हैं, तुम बड़े हो या अनीस, आज भी अनीस बड़े हैं, आज भी अनीस बड़े हैं। और मेरा क्या ताल्लुक, लेकिन मैं अनीस पढ़ रहा हूं, तो यह भी तो एक अहम बात है कि मैं अनीस पढ़ रहा हूं। तो अब आप देखिए चौथा मिसरा आप फिर से सुन लीजिए, अब्बास मुख्तार का लफ्ज रखा, यानी अब अब्बास का इख्तियार है, यानी अलम पर से हमजा, जाफर और अली का इख्तियार खत्म हुआ, अब अब्बास के इख्तियार में है। अब मैशर में अली को लेके नहीं जाना, जो मुख्तार है वो आएगा, यानी तीनों ने अब्बास को अपना मुख्तार बना दिया, यानी आलम का इख्तियार दे दिया। ये इख्तियार है कि आज पूरी दुनिया में कोई ये नहीं पुकारता ये आलम जाफर का है, ये आलम हमजा का है, ये आलम अली अब्बास का इख्तियार। इख्तियार अपने नाम से मनवा रहे हैं अब्बास, अलम पुकारा जा रहा है अब्बास के नाम से, अब्बास अब्बास अब इस मनसबे वाला का है मुख्तार, कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, अलम कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, क्या दस्त पर दस्त इसको ये हाथ आया, दस्त पर दस्त अल्लाह रे अल्लाह। बस अनीस के मुहावरे हैं और खूब खूब इस्तेमाल किए, अल्लाह रे अल्लाह अजब शान आलम है, सब आलम बाला की सना खान आलम है, रहमत का ये दरिया है कि दामान आलम है, खुर्शीद है या पंजे ताबान अलम है नूर का आलम, अलम फौज खुदा पर मूसा ने धरा है यद बैसा को असा पर।
मूसा ने धरा है यद बैजा को। अब देखिए पंजा जो है मूसा का यद बैजा बना, अलम की क्षण मूसा का असा बना। ये बताना था कि अनीस ने अलम के तारुफ में कहां कहां से माल जमा किया, वही दिखाना है कि अनीस तारुफ कराने के लिए बार बार मिसालें और तस्वीरें बदल बदल के बदल बदल के किस तरह दिमागों में बच्चों के अलम बिठा रहे हैं, और कायनात की हर चीज से अलम को अफजल साबित कर रहे हैं। ये शान अलम और फरेरे का वो आलम, देखिए दो चीजें कह दी ना, ये शान आलम और फरेरे का वो आलम, तो पंजा है और फरेरा है। अब दोनों की फिर तस्वीर बदली, देखिए वहां यदे पैसा और ऐसा आ गया, बात तो खत्म हो गई, नहीं फिर कुछ और लाए। ये शान आलम और फरेरे का वो आलम, ये अबरे करम है तो वो है नैयर आजम, ये अबरे करम है ये बादल का टुकड़ा है फरेरा, नैयर आजम वो आफ्ताब है, पंजे को है पर्दे से निकाले हुए मरियम, फरेरा मरियम का पर्दा है, मरियम ने अपना हाथ पर्दे से बाहर किया है। अब आज के बाद मेरे बताने के बाद किसी चर्च में जाके हजरत मरियम की तस्वीर देखना, किसी भी चर्च में चले जाना, एक ही तरह की तस्वीर होगी। ईसा को यूं लिए हैं और मरियम का हाथ यूं है, और चादर लिपटी हुई है, यानी इसका कमाल पर्दे से। देखिए मरियम का नाम लेके अलम की तहारत, अलम की इस्मत, अलम की पाकीजगी, अलम को मासूम साबित किया, मरियम का हाथ कहकर पंजे को मासूम बनाया, फरेरे को मरियम का पर्दा बनाया, फरेरा भी मासूम हुआ। अब कोई मासूम पे एतराज करे, इस फरेरे की क्या जरूरत है, कोई समाने की क्या जरूरत है। अब देखिएगा पंजा, इसे कहते हैं अंगुष्ठ शहादत, कलमे की उंगली, इसे इशारा किया जाता है कलमे का, ध्यान में रखिएगा। पंजे को है पर्दे से निकाले हुए मरियम, अंगुष्ठ शहादत से इशारा है ये हरदम, पंजा एक इशारा कर रहा, अंगुष्ठ शहादत से इशारा है ये हरदम, ये अर्श का रुतबा है ना अफलाक का रुतबा है, सबसे फुजू पंजतन पाक का रुतबा। जो बलम निकला उसने कहा पंजतन पाक, मरियम का जिक्र किया। ईसा कैसे आएंगे, अब ध्यान में रखिएगा, हजरत ईसा चलते थे, कोई बीमार है, छुआ हाथ फेरा ठीक हो गया, उठ गया, कैसी भी बीमारी है हाथ फेरा, हाथ से मस गया, पैर से छुआ, भूख मारी उठ गया, यानी सेहत बांटते हुए जा रहे हैं। ईसा जब घर से निकले तो बीमारों के दरमियान से निकले, तो हजारों बीमार जमा रहते, इधर से ईसा की सवारी निकली। जेन में रहे ये बात, सर्वे चमन आ राय हिदायत है ये रायत, या सूरह व शम्स की आयत है ये रायत,
अरबी में अलम को रायत कहते हैं, या सूरह वशम्स वज़ुहा वल क़मर इज़ा तलाहा, या सूरह वशम्स की आयत है ये रायत, मेरे फलके लुत्फो इनायत है ये रायत, दस्ते करमे शाह विलायत है ये रायत, दस्ते करमे शाह विलायत है ये रायत, जो साए में इसके है वो है जिल्ले हुमा में। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जिल्ले हुमा, हुमा हुमा एक चिड़िया है जो नापैद है, किसी ने देखा नहीं, और कहते हैं वो इतना बड़ा परिंदा है कि जब उड़ता है तो अंधेरा हो जाता है, इतने बड़े बड़े पर हैं उसके, और कहते हैं कि अगर किसी के सर पर से गुजर दूसरे दिन सुबह उठेगा तो बादशाह। है ना, तो हुमा जिसके सर पे आ जाए उसे कहते बादशाह हो गए। ये पुरानी कहानियां हैं, इस्तिलाएं हैं ईरान के अफसानवी अदब में, ईरान की फारसी शायरी में हुमा परिंदा, अरबी में उसे कुछ और कहते हैं, उर्दू में उसे कुछ और कहते हैं, हिंदी में, लेकिन फारसी में उसे कहते हैं हुमा। जिल कहते हैं साए को, जिल्ले हुमा, जो हुमा के साए में आ गया तो वो बादशाह हो गया। ये आश का रुतबा है न अफलाक, दस्ते करमे शाह विलायत है ये रायत, जो साए में इसके है वो है जिल्ले हुमा में। ईसा की कोई बात बताई थी, भूलिएगा नहीं, जो साए में इसके है वो है जिल्ले हुमा में, एजाज है ईसा का फरेरे की हवा में। यानी फरेरे की हवा लगी और बीमार ने शिफा पाई। अब जुमला कह दूं, ईसा नबी का एजाज तो अब्बास के अलम के फरेरे में मौजूद है, तो फिर अली कहां है? अब कोई अनीस से पूछ लेता, और जाहिर है कि अनीस के दौर में भी ये लोग रहे होंगे जो अनीस से कहते हैं, अच्छा ये सब क्या शायरी आप कर रहे हैं, कुरान से साबित कीजिए। अरे उन्हीं की नस्लें तो अब तक चली आ रही हैं, कुरान से साबित कीजिए, कुरान से साबित कीजिए। और जब मौका आया टीवी पे, जियो पे, और जब डॉक्टर असरार ने कहा शहीद कुरान से साबित कीजिए, तो बोलतियां बंद हैं अब तक, इसलिए कि कुरान में लफ्ज शहीद गला कटने के मानी में है ही नहीं। अब क्या करें, वो सारी भक्तियां कुरान से साबित, तो अब करो साबित, क्यों चुप हैं सब डॉक्टर असरार की बात पर, और लफ्ज शहीद कुरान में क्यों नहीं दिखा रहे? शहादत का लफ्ज कुरान में क्यों इतना मशहूर लफ्ज, लोग इत्मीनान से बैठे हुए थे, किसी ने किसी अल्लामा से पूछा ही नहीं कि शहादत कुरान से साबित कीजिए, इसलिए कि समझते थे कुरान में है, जब ही तो नहीं पूछा। अब पता चला जब असरार ने कहा ना शहादत ना शहीद कुरान में है ही नहीं, तो असली चीज शहादत हुसैन ही जब कुरान में नहीं है तो अब क्या पूछना, आलम कुरान में दिखाओ और ताबूत कुरान, अरे जब शहादत ही नहीं है तो छोड़िए ना ताबूत, ना आलम, ना इमाम बाड़ा, ना मजलिस, कुछ कुरान में नहीं है। जवाब ही नहीं दिया कल्बे सादिक साहब ने, बात ही नहीं की उन्होंने, जवाब में कहा ही नहीं डॉक्टर असरार से कि भाई कहां है, क्यों नहीं वो आयत पढ़ी, और जो आयत पढ़ी थी जिस पर उसने कहा कि ये आयत जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कत्ल का लफ्ज है, शहीद का लफ्ज नहीं है, तो वहीं से चुटकी लग गई। हुआ है ना, ये यहां क्यों चुप बैठे हैं आप, यहां चुप बैठने की जरूरत, इसलिए कि यहां चुप ना बैठिए, इसलिए कि जामे सिफ्तैन में मैं बताऊंगा डॉक्टर इसरार को
कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊं। उसकी खबर मैं वहां लूंगा, यहां मौका नहीं है। और बीच में अभी पहली सफर से 10 सफर एक अशरा बाकी है। मुझसे पहले कोई शहर कराची में कुरान से शहादत साबित कर ले, क्रेडिट ले जाए। 10 दिन की मैं मोहलत दे रहा हूं इमाम हुसैन की तरह। जब ना बने बात तो हमसे पूछ लेना, हम बताएं कि यह मामला क्या था और कैसे घुमाया गया। और मैं अपनी किताब से नहीं, डॉक्टर असरार के ही मसलक की किताबों से बताएं और किताब पढ़ के सुनाएंगे ताकि रिकॉर्ड हो जाए। जो साय में इसके है वो है जिले हुमा में, एजाज है ईसा का फरेरे की हवा में। तो पूछा होगा किसी ने अनीस से, अलम की तारीफें करो कुरान में है, जिक्र अलम हम्द है कुरान में आया, लिवाए हम में अशर में आएगा, जिक्र अलम हम्द है कुरान में आया, शियों के सरों का है यही हश्र में साया। शिया कह के बात खत्म कर दिया अनीस ने, कैसा आपको बचा लिया। अगर कह देते अनीस मुसलमानों तो आपका क्रेडिट क्या होता। इस शायर को सलाम करो कि तुम्हारी लाज रख ली, शियों के सरों का है यही हश्र में साया। मसरूफ हर वक्त अलम एक बात देखता था, कि हुसैन उम्मत के लिए दुआ कर रहे। अलम को एक ही बात नजर आती थी। इस बात को कैसे देखे साबित किया है कि उसने क्या देखा अमले हुसैन। और फिर वो मिसरे सुन लीजिए ताकि बात वाजे हो जाए। जिक्र आलम हम्द है कुरान में आया, शियों के सरों का है यही हश्र में साया। मसरूफ जो उम्मत की तरफ शाह को पाया, मसरूफ जो उम्मत की तरफ शाह को पाया, है पहरे दुआ हाथ आलम ने भी बढ़ाया। शक्ले ये है ना, शक्ले कफे साइल, यानी जो फकीर हाथ फैलाता है तो ऐसे, तो आलम के पंजे ने वो शक्ल क्यों बनाई है, हथेली क्यों दिखा रहा है। शक्ले कफे साइल जो है पंजा, ये सबब है अल्लाह से उम्मत की शिफात की तलब है। अब जिसके इतने आलम जेरे आसमान आए और हर पंजा इनके लिए शिफात तलब कर रहा हो, कितने रुख अलम में अनीस ने दिखाए हैं। और ये बंद तो बस अनीस ने यहां पे तोड़ा कलम। ये वो है अलम जिसको पयंबर ने उठाया, कब? कभी भी नहीं उठाया, किसी लड़ाई में नहीं उठाया, और उठाया भी हाँ खैबर में सजा के हाथ में लेके बाहर आए अली को देने के लिए। इतने से लम्हे को अनीस ने महफूज कर लिया कि पैगंबर ने भी उठा। जरा अनीस को देखिए, एक बार पैगंबर ने उठाया और खैमे से लेके निकले। ये वो है आलम जिसको पैगंबर ने उठाया, किस फख्र से हमजा से दिलावर ने उठाया, हाथ आया शरफ जब इसे जाफर जाफर ने उठाया। वो उठ गए उठाया उठाया, वो उठ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया। ये उठना और उठाया का इस्तेमाल देखिए, वो उठ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया और कमाल कर दिया
पांचवें और छठे मिसरे में होगा ये हुमा साया फिगन अब न किसी पर बस खात्मा है हजरत अब्बास अली। बस खात्मा है हजरत अब्बास अली। अब कोई नहीं उठा सकेगा। अब ये फरारा किसी हस्ती के सर पे नहीं खुले। बस खात्मा। अब ये देखिए कि सात बन सातियां सातियां इक्कीस इक्कीस शेर पढ़े मैंने एक घंटा हो। आपने देखा शरा तशरी और अब आपकी मर्जी है। गाजी की वो शौकत में शिको है अलम नूर कहती थी गेती के अनतूर अनतूर अब्बास आ रहे हैं अलम लिए हुए। गाजी की वो शौकत वो शिको है अलम नूर कहती थी गेती अनतूर अनतूर अलम की जो रोशनी पड़ी तो जमीन करवा लगा मैं तूर हूं मैं तूर हूं मैं तूर हूं। वो नूर वहां तूर पे गिरा था ना तो उसने देखा नूर आ रहा है तो जमीन करबला कहने लगी अनतूर अनतूर नूर 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 नूर। परचम था परचम था। अब अब्बास गाजी परचम को लहराते हुए आ रहे हैं फुरात की तरफ। परचम था के बिखरे हुए थे मुए सरे हूर हम पंजा हो पंजे से ये क्या मेहर की मकदूर दिखलाता था सर सब ये अफलाक फरहरा था दामन मरियम की तरह पाक। जरदेश था पंजा तो ये कहते थे खिरद मन ये हाथ सखी का है ना होवेगा कभी बंद थी इसकी जिया आईने मेहर से देख चंद करता था सितारों को पलक फक्र से स्पंद यानी सितारे सबके कर रहा था आसमान। सब फौजे मलाइक की नजर उससे लड़ी थी ओढ़े हुए एक शब्द रिदा हूर खड़ी थी। ओढ़े हुए एक शब्द रिदा हूर खड़ी थी। भाई पुत्र क्या गजलें क्या हैं कैसे हूर को ले आए शब्द रिदा उड़ा के कोई गजल तो कहे ये है अनीस का कमाल। उड़े हुए एक शब्द रिदा हूर खड़ी थी अल्लाह रे औच अलमे लश्करे शाही तेरे नगी माह से तमस्कने माही। पंजा जो हिला फैल गया नूरे इलाही दामन जो खुला रंगे जमी हो गया काही। सब्जी हसन सुर्खी रंगे शहे तीखी। देखिए कैसे लेके आए हैं शहजादों को सब्जी हसन सुर्खिये रंगिये शहदी थी सोने का फलक था तो जमरूद की जमीन। पंजा सुनहरा फरहरा सब्ज अब ये सुर्खी और सब्जी साथ चली। एक बन दो बन हजरत अब्बास की शान में जिसमें अनीस ने बताया कि अलमदार कैसा होना चाहिए और वक्त अगर थोड़ा सा पांच दस मिनट ज्यादा तो कोई परवाह की बात नहीं। अब्बास अली वो अलम अब्बास अली हैदर सफदर का निशान था। बस लश्कर इस्लाम में वो शेर जिया था। लिखा है कि 32 बरस का वो जमा था। चेहरे से जलाने असदुल्ला आया था। आला ना हो क्यों ऐसे अलमदार का रुतबा खालिक जिसे दे जाफर तैयार का रुतबा। और ये बन मैं परसों पढ़ चुका और बीच में आ गया फिर से सुन लीजिए। खुद शेर है जस शेर चचा शेर पिदर शेर और नारे हैं जुदा शेर के दिल शेर जिगर शेर पलके हैं अगर शेर का पंजा तो नजर शेर क्यों करना हो इस तरह के शेरों का पिसर शेर। टलते नहीं मैदा से ये पेशा है इन्हीं का कहते हैं नजफ इसको वो पेशा है इन्हीं का। जा बाजों से ले जा नहीं सकता कोई बाजी मर जाने को एक खेल समझते हैं ये गाजी। मर जाने को एक खेल समझते हैं ये गाजी है सबसे कभी बाजुए सुल्तान हिजाजी कर सकता है शेरों पे कोई दस दराजी। सामंत है ये जान की परवाह नहीं इनको हटते हुए रन से कभी देखा नहीं इनको। जाबाज है
जर्रार है, सफदर है वो गाजी, जुरत में हजारों के बराबर है वो गाजी, बेशुबा शख्सानी जाफर है वो गाजी, ऐ लश्करियो रुस्तम लश्कर है वो गाजी, लाखों है पर इस सच का जमा हम में नहीं है। दुश्मन कह रहे हैं हम क्या हैं कि ऐसा कोई आलम में नहीं। ये कुछ सिफतें हजरत अब्बास में अनीस ने जमा की हैं। कौन और कायनात में है दूसरा जमा काबिल, इसी के दोष मुबारक के है निशान, बाजुए शाहिदी जसद मुर्तजा की जान, पैरों का सरपरस्त जवानों का, पीरों का सरपरस्त जवानों का कदरदान, बातें पैगंबरों की खुदा के वली में है, सब इसमें जमा है सिफतें जो अली में है। लेकिन अगर गिनवाए ना तो फिर कैसे पता चले, सब इसमें जमा है सिफतें जो अली में है, उल्फत वही, हया वही, मेहरो वफा वही, तात वही, विकार वही, इत्तेका वही, बख्शिश वही, करम वही, जूदो सखा वही, जुरत वही, जिदाल वही, दबदबा वही। गेती में और भी कोई ऐसा दिलेर है, खुद था अली का कौल के अब्बास शेर, खुद था अली का कौल के अब्बास शेर। अब ये एक मंजर है और इस मंजर को अभी मैंने जिक्र किया था और ये सुनना बहुत जरूरी है कि अब्बास की तारीफ जैनब की जबान से हो और इमाम हुसैन तारीफ करें, ये सब सुनना बहुत जरूरी है। अभी अलम बरामद होगा, मैंने चाहा कायम से, मैंने कहा कि चूंकि अलम पढ़ रहा हूं मैं तो अलम लाओ, मजलिस के बाद अलम लाओ, ताकि वो मोहब्बत जो सुन के पैदा हो तो हम उसे चूमें। और चूंकि कई मरीजों के पर्चियां आई हैं तो मैंने चाहा कि अलम आए और सब लोग दुआ करें, जो लोग अलील हैं, बीमार हैं, या रिस की दुआ है या औलाद नरीना की। तो अब हमारे पास ये छः, आज छठी तकरीर हुई तो चार रह गई तकरीरें, अगर चांद मजलिस का हो भी गया तो पहली सफर को आखिरी दसवीं मजलिस होगी, हालांकि पहली को फिर तबलीग बामिया के आग के मातम की मजलिस खैर अमल पर मुझे पढ़ना होगी, लेकिन यहाँ से जाके पढ़ूंगा दसवीं मजलिस के बाद। तो अब ये चार मजलिसों को मैंने ऐसे तकसीम किया कि आज तो अलम का जिक्र हो गया, अब कल मैं जुल्फिकार की तारीफ पढ़ूंगा और उसमें बताऊंगा कि अनीस ने जुल्फिकार की तारीफ कैसे की, उसके बाद मैं